नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजगढ़िया मंदिर बड़ा चौक तिरंगा चौक के बीचों बीच सूर्य होंडा शोरूम के सामने मंदिर में चोरों ने किया हादसा। बजरंगबली की प्रतिमा पर पहने हुए सोने का कंगन वाली पांव में पहने साथ ही साथ लड्डू गोपाल अष्ट धातु से बनी चोरों ने किया हादसा। बताया जाता है कि 18 से 20 लाख की यह घटना सोमवार की शाम लगभग 5 बजे की है। इसमें बताया जाता है कि दो सोने की सिकरी साथ ही साथ अष्ट धातु से बनी चार लड्डू गोपाल मूर्ति समेत कई कीमती सामान किया गायब। भयंकर चोरी। जब पुजारी मंदिर आए तो देखा ताला टूटा हुआ, परंतु अपने मालिक को फोन किया, सूचना पाकर फौरन मंदिर पर मालिक पहुंच गए। उन्होंने जिला प्रशासन को फोन कर मंदिर की चोरी हो गई है सूचना पाकर प्रशासन मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी, जिसमें टाउन थाने के प्रभारी एवं मौसल थाने के प्रभारी मौके पर पहुंचकर चोरी का लिया जायजा। देखिए झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। हमारे गिरिडीह के कोठी में हनुमान मंदिर में और हनुमान जी की जो सोना की जो बनी हुई थी जेवर वगैरह वो लगभग 20 लाखों की चोरी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे मैडम बनी की साक्षात मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है, उसके साथ साथ मैंने चोरों की तैदाद बताया नहीं जा सका कि कितना है, लेकिन लगभग ये तय हो गई है कि लगभग 20 से 22 लाख रुपया की चोरी बताई जा रही है। जैसे कि जो हमारे पंडित यहाँ पर बैठे हुए हैं ये पुजारी जी भी हैं, तो इनसे हमने पूछा तो ये हमको ये बात बताया कि जब हम आए तो मेरे को ये देखे कि हमारे पास वो जेवर नहीं है। ये सूचना हमने मालिक को दिया, मालिक को देने के बाद मालिक आए, उसके बाद फिर क्या बात हुई फिर आपको अवगत कराते रहूँगे। न्यूज 24 बने रहे। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये घटना कब की और कितने बजे की लगभग बता सकते हैं कुछ? 11:30 बजे गेट खुला हुआ, मैंने ग्रिल वाला गेट खोले और भीतर वाला गेट का टूटा हुआ था। तो आप ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ चोरी हुई? ये तो आंकड़ा आपके पास है लगभग कितना लाखों की है, कितना की है? हम ये अंदाजा नहीं बता सकते। और क्या क्या चीज़ चोरी हुई है? हनुमान जी के पाँव पर जो कंगन है और सभी मूर्तियाँ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।